2019 के चुनावी समर से पहले देश में दलित मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। 2 अप्रैल को हुए दलित आंदोलन के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। दलितों के समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज बापू की समाधि राजघाट पर उपवास करने वाले हैं। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज उपवास रखने जा रहे हैं। 2014 में मोदी की शानदार जीत में दलित वोटों का भी बड़ा योगदान रहा है, लिहाजा विपक्ष इस बार दलित वोट बैंक को बीजेपी से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा हुआ है। दलित वोट बैंक पर जारी दंगल पर हमारी बड़ी बहस होगी। बहस के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा। हमारे साथ होंगे दलित चिंतक बलविंदर सिंह, बीजेपी नेता रमेश चंद्र जी, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी नेता मनोज यादव राजघाट से हमारे साथ, हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन मौजूद होंगे जो पल पल का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे दलितों पर सियासत गर्म है। राहुल गांधी उपवास करने जा रहे हैं, मायावती बीजेपी पर हमलावर हैं, खुद बीजेपी के दलित सांसद विरोध में हैं। अब सवाल यह है कि दलितों के दंगल पर मोदी योगी क्या करेंगे। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो दलित आंदोलन पे जो सियासत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से SC/ST एक्ट में बदलाव की बात कही है, उसके बाद तमाम दलित भारत बंद का आह्वान बुलाया उन्होंने, और उसमें जो भी डिस्टर्बेंस हुआ उसके ऊपर अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस को तो बहुत पहले उपवास करना चाहिए। जितनी जुल्म ज्यादती कांग्रेस ने पिछले 60 साल हुकूमत करके जितना दलित समाज पर अत्याचार, अनुसूचित जाति जनजाति समाज पर अत्याचार किया, जितना बाबा साहब अंबेडकर साहब का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, उसके लिए तो पहले से उनको माफी मांगनी चाहिए, उपवास करना चाहिए। दूर भर के लोगों के अधिकारों से तो वंचित किया ही जा रहा है, उनके सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर हम सांकेतिक उपवास करेंगे और सरकार के दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ सांकेतिक मौन प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये जो पूरा राजनीतिक घमासान अब उठ चुका है दलित मुद्दे को लेकर, एक तरह से विपक्ष लामबंद हो रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। हालांकि जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का है। तमाम पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, रमेश चंद्र रतन जी बीजेपी के SC सेल के वाइस प्रेसिडेंट हमसे जुड़ गए हैं, और लखनऊ से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता मनोज यादव SP नेता हमसे जुड़ गए हैं, और मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन राजघाट पर मौजूद है जहां पर राहुल गांधी उपवास करने जा रहे हैं। सबसे पहले रजत राकेश टंडन का ही रुक कर लेते हैं। रजत, क्या राहुल गांधी वहां पहुंच गए हैं, क्या अपडेट है आपके पास? 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। पीछे आपको दिखा दूं, ये पीछे आप कह सकते हैं नीचे ही गद्दे बिछाए जा रहे हैं, राजघाट के सामने की ये तस्वीर है, यहीं पर राहुल गांधी बैठेंगे जो दिल्ली इकाई है। दिल्ली इकाई के साथ आज राहुल गांधी रहेंगे। कांग्रेस नेता लवली जी हमारे साथ है। लवली जी, क्या पूरा कार्यक्रम होगा, कितने बजे से शुरू होगा, राहुल गांधी कितने बजे आएंगे और मोटो क्या है इस आज उपवास का? देखिए, जिस तरीके से गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए और विशेष करके SC/ST के साथ ये सरकार उनके एक्ट का खिलवाड़ कर रही है, और हम ये कहेंगे डिजाइन तरीके से, पर्दे के पीछे से, क्योंकि खाली SC/ST एक्ट की बात नहीं है। आज लैंड एक्विजिशन बिल की भी वही हालत है जो SC/ST के बिल की हालत है। तो पर्दे के पीछे से डिजाइन तरीके से ऐसे एक्ट को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी की समाधि से ज्यादा अप्रोप्रिएट कोई जगह नहीं हो सकती विकर सेक्शन। राहुल जी कितने बजाएंगे, कितने बजे उपवास शुरू? आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर्स जो हैं वो आज भूख हड़ताल पे, संकेतिक भूख हड़ताल पे आज की बैठेंगे, और राहुल गांधी जी भी कुछ देर के लिए 12 बजे के आसपास के करीब आएंगे। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में चुनाव है, दलित में एक आक्रोश है, कांग्रेस इसको भुनाने की कोशिश कर रही है? कर्नाटक से लेकर 2019 के लोकसभा तक बीजेपी के अंदर आग लगी हुई है, उनके अपने सांसद नहीं मान रहे, तो आज यहाँ बैठ के और पूरे देश में कांग्रेस बैठ के दलित वोट बैंक पर एक सेंध लगाई? ये समय हमने तो चुना नहीं है, ये तो जो है गवर्नमेंट अगर सही से एक्ट कर देती तो हमको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ये कह रहे हैं कि सरकार की नीयत में खोट है, और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जहां तक भी इस लड़ाई को ले जाना पड़ेगा, बात केवल कर्नाटक चुनाव या ना चुनाव की बात नहीं है, बात कांग्रेस के लाए हुए उन एक्ट की है जिसकी वजह से आज अनदेखी जो है गरीबों की हो रही है जा रही। देखिए, अनदेखी की बात यहाँ हो रही है, बात यहाँ फास्ट की हो रही है, लेकिन नेता अगर यहाँ बैठेंगे और 12 घंटे
का समय यहां रहेगा तो आप कह सकते हैं राजनीति होगी ही होगी। और दलितों को रिझाने के लिए कांग्रेस इस वक्त उतर चुकी है, आज पूरे दिन उपवास करेगी, एक संदेश देगी कि अगर दलितों के साथ कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और सबसे नजदीकी अगर आपको मैं मामला बताऊं तो कर्नाटक का है, जहां दलित वोट बैंक जो है वही सत्ता की सीढ़ी होता है। आज यहां दिल्ली में बैठकर, पूरे देश में बैठकर उस सीढ़ी को कांग्रेस मजबूत करेगी। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए। मोहित ओम हमारे सहयोगी राहुल गांधी के घर से हमसे जुड़ गए हैं। मोहित, क्या राहुल गांधी वहां से निकल गए हैं? क्या अपडेट है आपके पास? शोभना जी, नहीं, अभी राहुल गांधी अभी अपने घर के अंदर ही मौजूद हैं। यहां से अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी कितने बजे बाहर आएंगे। हालांकि जो उनकी सिक्योरिटी की एसपीजी की गाड़ियां हैं वो जरूर लग चुकी हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं है जो समय बता सके कि राहुल गांधी कितने बजे अपने घर से बाहर निकलेंगे। ठीक है मोहित, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा हम आपके पास आएंगे। मैं बीजेपी के नेता रमेश चंद्र जी का सबसे पहले रुख कर लेती हूं। क्या लग रहा है सर, विपक्ष ने आपको चक्रव्यूह में फंसा लिया है दलित राजनीति के नाम पर? विपक्ष तो स्वयं चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, हमने नहीं फंसाया। और मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं कि सर आपने फंसाया नहीं, आप फंसते नजर आ रहे हैं। मार्च का जो मैंडेट था रमेश चंद्र जी, विपक्ष आपको फंसा रहा है, फंसते हुए नजर आ रहे हैं आप? नहीं, हम फंसते हुए नजर नहीं आ रहे मैडम। मैं तो आज उनको जो राजघाट पर वो उपवास नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वो 60 साल का प्रायश्चित करने जा रहे हैं। उनके उनके नाना जो है जवाहरलाल नेहरू ने, उनकी दादी ने, उनके पिताश्री ने जिस तरीके से दलितों के वोट का ध्वन किया, जीवन पर्यंत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सताया, भारत रत्न तो छोड़िएगा, सन 1952 में प्रथम चुनाव लड़े तो मरहूम जवाहरलाल नेहरू ने हराने का काम किया, 53 में बाई इलेक्शन लड़ने का काम किया तो जाकर के दुष्प्रचार करके हराने का काम किया। ऐसे जो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के रचयिता, जिन्होंने संविधान रचा उस उनको जो है तैलचित्र संसद भवन में लगाने का भी उन्होंने मौका नहीं दिया। कुनवे के तो फोटो लगे थे लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र तक नहीं था। आज दलित मुंह कहां से इनको आ गया, क्योंकि ये जमीन पर आ गए, अस्तित्वहीन हो गए। 60 साल के उसमें दलितों की चिंता नहीं हुई, 4 साल की सरकार से किस मुंह से इनको शर्म आनी चाहिए कि दलितों के मसीहा को जीवन पर्यंत सताया ही नहीं। आज जो हालत है, दलित एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के बारे में किस मुंह से बात करेंगे? क्या उसमें योगदान था इनका? और योगदान तो छोड़िएगा ना, जिस समय जो है ये एक्ट के अंदर जो प्रभावी, जब 2015 में ये मोदी जी ने इसमें एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव लेकर के किए और ऐसे बदलाव किए, सरकार की नियत में खोट होता तो 2015 में ये क्यों अमेंडमेंट करते? 2016 में जो कानून बना और उसमें ऐसे प्रावधान रखे गए, चाहे मुझ ठीक है रमेश जी, आपके पास फिर से आऊंगी। अखिलेश प्रताप सिंह का रुख मैं करना चाहूंगी। अखिलेश जी, दलित राजनीति के नाम पर आप चक्रव्यूह रच रहे हैं, मोदी को फंसा रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। देखिए, अभी मैंने देखा कितनी पीड़ित और कितने दुखियारी आवाज सुनाई दी बीजेपी के हमारे साथी के द्वारा। आपने पूछा क्या और ईरान तुरान बता रहे थे। अगर बाबा साहब और कांग्रेस दुखी तो आप हैं, करें तो दुखी आप हैं, मैं नहीं दुखी। अखिलेश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश जी, मेरे सवाल का कि एक मौका आपको मिल गया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप चक्रव्यूह रच रहे हैं, 2019 को आप टारगेट कर रही है कांग्रेस, इस समय एक मौका मिल गया है। पहली बात, मेरा फोन इको कर रहा है, उसे ठीक करा दें। दूसरी बात, जैसे निर्बाध रूप से बीजेपी के प्रवक्ता को आपने बोलने दिया, हम अपेक्षा करते हैं कि हमें भी उसी तरह का अवसर देंगे आप जी। देखिए, आज छुपा नहीं है हिंदुस्तान में कि बीजेपी और मोदी जी किस तरह से दलित विरोधी हैं और दलितों पे क्यों ये इतना अत्याचार करते हैं, दलितों से इनको इतनी नाराजगी क्यों है, क्यों दलितों को ये दुश्मन समझते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा बीजेपी और आरएसएस के लोग। आज इनके आधा दर्जन एमपी यूपी से चिट्ठी लिखते हैं मोदी जी को और यहां तक कहते हैं कि अधिकारी गाली देके भगा दे रहा है, मुख्यमंत्री गाली देके धक्के मार के भगा दे रहे हैं। और जो इनके एक सांसद है छोटे लाल जी, उन्होंने तो अपने चिट्ठी में यहां तक जिक्र किया है। अखिलेश जी, अपनी बात कीजिए। अखिलेश जी, हम बैठे हुए हम सवाल वो भी पूछेंगे कि उनके खुद के अपने खेमे से क्यों विरोध की आवाज उठ रही है। आप अपनी बात कीजिए कि आप चक्रव्यूह रच रहे हैं कि नहीं रच रहे हैं।
करेंगे कि मैं क्या जवाब दूं कि आप मोदी करेंगे क्या मोदी सरकार के खिलाफ आपको आप प्रश्न आप जो आप मैं सबका जवाब दूंगा। आप प्रश्न करें, जवाब देना मेरा धर्म है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे यही पूछ रही हूं, मैं आपसे यही जवाब जी अखिलेश जी मैं जवाब दे रहा हूं। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि दलित राजनीति के नाम पर आप ये चक्रव्यूह क्यों रच रहे हैं? क्या 2019 को टारगेट कर रहे हैं आप दलित राजनीति के नाम पर, दलितों के वोट के नाम पर? चक्र मुझसे चार गुना तो आप बोल डाली, मुझे तो बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मैंने कहा ना कुछ छोटे लाल सांसद ने अंत में सरकार से हार करके SC ST आयोग गए हैं, इनके MP, इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है? अब मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। देखिए, राजनीति में जो खासतौर से विपक्ष में है उसका सबसे पहला धर्म यह बनता है कि यदि किसी की आवाज सरकार नहीं सुन रही है और किसी को सरकार सता रही है तो उसकी आवाज बनना और उसका सहारा बनना यह विपक्ष की पॉलिटिक्स करने वालों का सबसे पहला धर्म बनता है और उस धर्म को कांग्रेस पार्टी पालन कर रही है। आज दलितों पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उनसे दुश्मनी बर्बरता पूर्वक निभाई जा रही है, उनकी आवाज और उनका सहारा बनने के लिए हम आगे निकले हैं, मैदान में निकले हैं। ठीक है अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी थोड़ी सी समय की पाबंदी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन हाजिर हो रहे हैं और तब मैं आपका जवाब पूरा सुनूंगी और भी सवाल। दलित आंदोलन के बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है मोदी सरकार के ऊपर। हमारे सहयोगी ने अजय माकन कांग्रेसी नेता से बात की, वो आपको सुनवा देते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर स्पोक्सपर्सन अजय माकन जी, अजय जी पूरे देश में अनशन हो रहा है, कांग्रेस फास्ट में बैठ रही है, मोटो क्या है इसका? देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव हमारा मोटो है और जातीय हिंसा के खिलाफ और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पूरे देश भर में कांग्रेस जन उपवास के ऊपर हम लोग बैठेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी राजघाट आएंगे, क्या संदेश यही है कि जो दलित एट्रोसिटीज है उसको कांग्रेस लुभाना चाहती है? देखिए, इसको पॉलिटिकल एंगल से आप क्यों देखते हैं, और जातीय हिंसा के खिलाफ है और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए है और हम लोग फास्ट में बैठ रहे हैं और गांधी जी की समाधि पे प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता सांप्रदायिक सद्भाव हो और सांप्रदायिकता के राक्षस का खात्मा हो। तो तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दलित चिंतक हैं जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रमेश चंद्र रतन जी बीजेपी के नेता हैं, देवाशीष जरारिया भी हमसे जुड़ेंगे, अखिलेश प्रताप सिंह हमसे जुड़े हुए हैं और मनोज यादव SP के नेता हैं। मनोज जी, लगातार सरकार का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और BSP राजनीति कर रही है इस पूरे मुद्दे पर, क्या कहेंगे आप? देखिए सोमनाथ जी, अगर हमारा वर्क कल्चर ही राजनीति है तो राजनीति करना और ये आरोप लगाना कि हम राजनीति कर रहे हैं ये तो बेईमानी से साबित होती है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं और अभी आपने अपनी बहस में शुरुआत करी कि मोदी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ गठबंधन सारी पार्टियां एकजुट हो रही, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। दरअसल में जो और परसेंटेज मिला था बीजेपी को या NDA को, लगभग 31% वोट जो पाए थे, इसके अगेंस्ट में जो 70% वोट बैंक था, ये जो लोग हैं भारत के, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये वहां के लोग एकत्रित हो रहे हैं। मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं, लोगों का एक कम्युनिकेशन हो गया, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, तमाम ऐसे लोग जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं, और उनके ऊपर ये लगातार सरकार इस तरह से परेशान उनको किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये मजबूरी बन जाती है राजनीतिक दलों की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, कांग्रेस हो, वो सबको एक आना पड़ेगा। लेकिन इस देश की राजनीति में एक अहम फैसला ये हुआ। चलिए मनोज जी, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, वोट की राजनीति है और आप कितने मजबूर हैं इस समय दलितों के वोट के लिए।